चेहरा आईने में देखने की, कपड़े पहनने की, हर दुआ के अंदर में सिवाय अल्लाह की तारीफ के और कोई बड़ी इबादत नहीं है, एक इबादत का मजमुआ है, मसनून दुआएं। एक छोटी सी दुआ होती है लेकिन इबादत का मजमुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इबादत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआओं के अंदर में शरा शरीफ बनाकर जो हमको एक अमलन पैगाम दिया है, उन तमाम मसनून दुआओं के अंदर में हम देखेंगे तो अल्लाह की बोलो तारीफ। बंदा मुकल्लफ है, उसको मुकल्लफ किया गया, हर आन हर घड़ी हर मौके, दुख हो या सुख हो, राहत हो या तकलीफ हो, शांति हो या अशांति हो, जैसा भी हाल हो, हर हाल में भी अल्लाह के बंदों ने तारीफ अल्लाह की है, इस हुक्म की वजह से, इस पैगाम की वजह से। आप वुज़ू करने के लिए बैठेंगे, फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, अल्लाह उन्होंने फरमाया खाना मिले तो भी, पीना मिले तो भी, पहनना मिले तो भी, जरूरियात जिंदगी में से अदना एक बाल के नोक के बराबर भी कोई हाजत पूरी हो रही हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज्जतिही व जलालिही ततिम्मु सालिहात वल हाजात। सुभानअल्लाह, फौरन अंदर से ये आवाज निकल रही हो कि मेरी एक छोटी सी हाजत किसने पूरी की, उस एक अल्लाह की मैं तारीफ बयान करता हूँ, आराम से मैंने एक सांस लिया, वरना उखड़ता सांस देखने वाले जिस्मों को तुम देखो कि जब सांस उखड़ने लगता है और सांस फटकने लगता है तो एक सांस के लेने में और सांस को बाहर निकालने में इंसानी जिस्मों के ऊपर कितना बोझ पड़ जाता है, और है सांस लेना कितना आसान, सांस लेना कितना, निकालना कितना आसान। आप फटाफट के नींद सोए हैं लेकिन सांस का आना और जाना जरा तसव्वुर तो करो। सांस बनाने वाले अल्लाह ने सांस लेने के, सांस निकालने के जो उज्व बनाए, आजा और जवारे बनाए, नाक का भी दखल, नाक की पाइपलाइन का भी दखल, फेफड़ों का भी दखल, ताकत और कुव्वत जिस्मानी का भी दखल, इस सारे अंदर में इस सांस को लेने की सारी चीजें, सारे असबाब बनाए और फिर सांस को लेना और सांस को निकालना अल्लाह बाप ने कितना आसान कर दिया। तो दुनिया की छोटी या बड़ी कोई भी जरूरत पूरी हो हम किसकी तारीफ करेंगे, इवन नेक आमाल की अगर तौफीक भी मिले, नेक आमाल की छोटा या बड़ा, नेक आमाल की तौफीक भी मिले, जान और माल को मर्जी इलाही पर खर्च करने की अगर तौफीक मिले तो अंदर से दिल अल्लाह की तारीफ के अंदर में दीवाना हो जाना चाहिए। हम किसी के ऊपर क्या एहसान जताएंगे माल देकर, दौलत देकर, मस्जिद पर, मदरसे पर, चंदे पर, और किसी गरीब पर, किसी बेवा पर क्या एहसान जताएंगे। ऐ करीम, ऐ करीम, ऐ करीम, तेरा करम कि तूने इस बेवा की, इस गरीब की, इस हाजतमंद की और इसी तरीके इस जरूरतमंद की जरूरत में काम आने के लिए तूने मुझे कौड़ी दी और मैंने इसको जरिया बनाकर तेरी रिजा का आज अमल कर दिया, सखावत कर दी, हिदायत मिले तो भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहिला दीनिल इस्लाम। नेक आमाल की कोई तौफीक मिले तो भी और हिदायत मिले तो भी, खैर के कामों में हम अगर इस्तेमाल हो जाए तो भी तारीफ करें किसकी, बोलो अल्लाह। अंदर से हमें शार सदा निकल रही हो और इसकी मश्क के लिए इबादतें, मसनून दुआएं और ये सारी चीजें रखिए, लेकिन अंदर से दिल तो वाह अल्लाह वाह, तारीफ के लायक तू ही है, तारीफ के लायक तू ही है,
तारीफ के लायक बोलो तू ही है, अल्लाह तू ही है। सबसे पहली सूरत कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने जिस्म के एक एक उस आजा और जवारे पर, एक एक बाल पर, एक एक रोमे पर, एक छोटा सा हुआ इतना बेहतरीन जिस्म की नियामत है, और उसी रोए में आसमान से जैसे भी मेरे पैर में एक रोआ टूट जाने की वजह से भी छह दिन से चारपाई में हूँ। आपको भी होता होगा, किसी वक्त भी होता होगा, एक रोगे पर अगर आसमान से कोई ऐसा निजाम आ जाए, टूट जाए, बाल टूट जाए, तो आदमी सबर की ताकत न रखे, ऐसा हाल बन जाता है। अल्लाह वालों की दास्तान मौजूदा अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले, सख्त बुखार और इन्फेक्शन बदन में, बॉडी में सख्त बुखार और इन्फेक्शन बदन में, उनके मुरीद गए खैरियत पूछने के लिए, इयादत के लिए, और खैरियत पूछी, हजरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। देखो जवाब तो देखो, यानी हमको ये इनकी दास्तान है, हमको तरगीब दे रही है, मुस्कुरा कर जवाब दिया, अरे मेरे प्यारो आंख अल्लाह ने दी है सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, कान अल्लाह ने दिए हैं सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग अल्लाह ने दिया है आजा और जवारे खिलवाए, दिमाग अल्लाह ने दिया है सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान अल्लाह ने दी है गोयाई पर मामूर और बोल रही है सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ पैर आजा जवारे पेट सब सलामत है, बस एक हल्का सा बुखार है अल्लाह ने दिया है, गुनाह माफ होते हुए ये चला जाए। अल्लाह की तारीफ इस दास्तान में और एक छोटी सी बात में, कैसी अल्लाह का कैसे एक वालेहाना ताल्लुक नजर आता है और कैसी अल्लाह की तारीफ नजर आती है। मशहूर और मारूफ किस्सा है, मशहूर और मारूफ का किस्सा, जिनको अजमत मोहब्बत के साथ गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, माल भंडार जहाज आ रहा था, खादिमों ने खबर दी गर्क हो गया, डूब गया माल समंदर में डूब गया, फौरन अल्हम्दुलिल्लाह। कई दिनों के बाद खबर आई, हजरत माल भरदार जहाज आपका माल का जहाज तो किनारे पर आ गया, सलामत आ गया, सही सलामत है, दर्द से आवाज निकाली अल्हम्दुलिल्लाह, डूबने पर भी और सलामती पर भी अल्लाह की तारीफ। लेकिन थोड़ी हैरत हुई खादिमों को, मुरीदों को, सवाल किया कि हजरत नुकसान पर भी अल्लाह की तारीफ और मनफात यानी सलामती पर भी अल्लाह की तारीफ। माजरा समझ में ना आया, रहबरी चाहते हैं, तरबियत चाहते हैं, तरबियत के लिए सवाल किया, माजरा समझ में नहीं आया, तरबियत चाहते हैं। हजरत ने फरमाया डूबने की खबर पर हाल दिल को देखा, नजर डाली, हिदायत ईमान तकवा और अल्लाह की जात के भरोसे पर सलामत पाया, तो मैंने माल के डूबने की फिक्र छोड़ दी, दिल की सलामती पर मैंने फौरन अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सलामती की खबर पर तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बात तो समझ में आई ना भाई, बात तो समझ में आई। तो ये है हमारी तरबियत के वाकया, हमारी तालीम के लिए वाकया। अल्लाह ताला हम तमाम को भी अल्लाह की तारीफ के लिए, जैसे शहद की मिठास इससे कई गुना ज्यादा हमको मिठास महसूस होने लगे जुबान में भी और दिल में भी, और सुबह से शाम तक बस एक सदा अंदर से निकल रही हो, क्या करीम जात है, क्या रहीम जात है, क्या अता देने अता करने वाली जात है, और कितनी बेहतरीन हमको जन्म देने वाली जात है। अल्लाह तमाम तारीफें आपको लाए हैं, आपकी मेरे सामने आपके सामने कोई तारीफ करेगा तो कितनी खुशी होगी, और अल्लाह तो सब कुछ करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं करने वाले तो भी खुशी होती है, तो अल्लाह सब कुछ करने वाले और सब कुछ करके दिए देने वाले और फिर अल्लाह की तारीफ होगी तो अल्लाह पाक को कितनी खुशी होगी। इसलिए भाई आज के सबक भाग के बयान में बस अल्लाह की तारीफ इसको अपनी बहुत बड़ी इबादत बनाओगे। अभी चंद दिनों से मैं भी
और आप भी करना चाहें। 1.5 साल से इस मरकज का रिनोवेशन का काम शुरू किया, पता नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ देखते थे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, निगाह आसमान पर जाती थी तो वाकई उम्मीदों के ढेर लग जाते थे। और आज बस 10 दिन के बाद पूरा होगा। खर्च कितना हुआ? 28,50,000। मैं और आप न थके हैं, सोने के वक्त सोए हैं, खाते हैं, पीते रहे, और अल्लाह ने ये मस्जिद का रिनोवेशन, फिर इसके बाद ये बिल्डिंग का रिनोवेशन, फिर फैमिली क्वार्टर्स का तीन पॉइंट तो अपने मुकम्मल करवा दिए। 10 दिन के बाद मुकम्मल हो जाएगा ये काम इंशाल्लाह। 50,000-60,000-70,000 रुपये कर्ज बाकी रहेगा, लेकिन करीम साथ है। और इसमें आपने जो दुआएं दी होगी उस पर भी मैं अल्लाह की तारीफ बयान करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दो काम छोटे छोटे बाकी रह गए हैं, इस पर हम अल्लाह से लौ लगाए, मदद मांगे। हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो फकीर है, दौलत भी नहीं। एक है, पहले बहुत पहले ऐलान किया था कि भाई अगर हम सोलर ऊपर लगा देवे तो फिर खुसूसन आज के आने वाले जमाने में मीटर भी मस्जिद अल्लाह का घर है उसके लिए आसान हो जाए, इजी हो जाए। अभी 6,500 रुपये सोलर के उस वक्त चंदे में आए थे, दो भाई ने दिए थे, जमा महफूज सलामत हिफाजत के साथ रखे हुए हैं, फिर तो बाद में कहीं से आए नहीं, लेकिन फिर भी आप और हम दिल में दुआ में दिल लगाएंगे इंशाल्लाह इस सोलर सिस्टम का 5-5.5 लाख का ये भी काम अल्लाह पूरा कर देगा। और ये चादरों का बाथरूम का जो ब्लॉक है उसका रिपेयर वो भी 7-8 लाख से कम नहीं, अल्लाह ताला इसको भी पूरा कर देगा। आपके जहनों में इसलिए डाला 28,50,000 कि आप यूँ ना समझे कि बगैर थके बगैर मेहनत बगैर कोई ऐलान बगैर कोई ज्यादा चंदे की जद्दोजहद के काम हो गया तो 5-10 हज़ार में हुआ होगा। लेकिन तस्वूर तो करें कि करीम साथ ने हमको यहाँ बैठे बैठे 28,50,000 अल्लाह ताला ने अतिया दिया और हमने अल्लाह के घर में लगाया। अल्लाह मुझे और आपको इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।